हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जो है पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, रिफ्लेक्शन से संबंधित जो है ना दो लॉज जो है दिए जाते हैं। फर्स्ट वन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कह रहा है कहीं पे भी रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन सरफेस हो गया, एक प्लेन मिरर हो गया, इस प्लेन मिरर से जो है इंसिडेंट रे फॉल किया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो है बाउंस बैक होकर के चला गया। तो और ये नॉर्मल हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो है ड्रॉ कर दिए 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो है फॉर्मेशन होगा वो जो है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, बराबर होगा। ये जो है फर्स्ट लॉ कहता है। दूसरा लॉ कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कह रहा है कि ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पास, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में जो है क्या करते हैं, लाई करते हैं। जो इंसिडेंट रे जिस प्लेन में लाई करता है उसको प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और रिफ्लेक्टेड रे जिस प्लेन में लाई करता है उसको प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। दैट्स इट। स्फेरिकल मिरर के बारे में जो है स्टडी करना है। देखिए यहाँ पे स्फेरिकल मिरर इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैराबोलिक मिरर। स्फेरिकल मिरर को जो है पैराबोलिक मिरर भी जो है कहा जाता है। इसके साथ साथ जो है इसको जो है कर्व्ड मिरर भी जो है कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इसको जो है कर्व मिरर भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। कह रहा है कि ऐसा मिरर जो एक हॉलो, एक खोखले ग्लास के स्फेयर का जो है पार्ट होता है, उसी मिरर को जो है हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। जैसे मैं एक खोखला ग्लास का स्फेयर ऐसे लेते हैं, लेने के बाद से इसको जो है दो हिस्सों में यहाँ से जो है कट कर देते हैं, तो ये हमको यहाँ से जो है ना दो पार्ट्स मिलते हैं, एक ऐसे आउटवर्ड पार्ट और एक जो है बेंटिन पार्ट जो है हमको दिखाई देता है। अगर इस बेंटिन पार्ट वाले के आउटवर्ड वाले हिस्से को जो है अगर हम लोग जो है सिल्वर कोटिंग कर देते हैं तो ये एक टाइप का जो है मिरर हमको ऑब्टेन होता है, और इसके इनवर्ड पार्ट को जो है हम लोग कलर कर देते हैं, इसको इसके इनवर्ट पार्ट को जो है अगर हम लोग जो है सिल्वर कोटिंग कर देते हैं तो ये एक अलग तरह का जो है मिरर मिरर हमको जो है प्राप्त होता है। तो जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आउटवर्ड होता है उसको जो है कन्वेक्स मिरर कहा जाता है, और जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ना इनवर्ड होता है उसको जो है कनकेव मिरर जो है कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आप क्या कह रहे हैं। अब मान लीजिए कि एक जो है इससे जो है ना कौन कौन से टर्म्स जो है रिलेटेड हैं। इस कनकेव मिरर को जो है आगे चल के थोड़ा सा और देखेंगे, कनकेव मिरर को जो है कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट रेज को जो है ना एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, और कन्वेक्स मिरर को जो है डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट रेज को एक पॉइंट से जो है ना बाहर की तरफ क्या करता है, फैलाता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है ना फैलाता है, डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको जो है ना डाइवर्जिंग मिरर भी जो है कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर जो है एक हम जो है कनकेव मिरर जो है ड्रॉ करते हैं, कनकेव मिरर ड्रॉ करने के बाद से आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है इसको हम लोग सिल्वर कोटिंग कर दें, एक जो है डॉटेड लाइन से इसके इमेजनरी जो है हॉलो स्फेयर को जो है ड्रॉ कर लेते हैं, तो इस कनकेव मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होगा, इसके रिफ्लेक्टिंग सर्फेस का जो सेंट्रल पॉइंट होगा उसी को पोल ऑफ द मिरर जो है कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है, पोल ऑफ द मिरर। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। ओके, और इसके बाद से ये इस हॉलो स्फेयर का जो सेंट्रल पॉइंट होगा, जिस हॉलो स्फेयर से इस मिरर को जो है कटआउट करके निकाला गया है, उस हॉलो स्फेयर का जो सेंट्रल पॉइंट होगा इसी को जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कहा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा, इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल सी से जो है दर्शाया जाएगा। इसके बाद से सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको जो है कैपिटल आर से दर्शाया जाएगा, जिसको बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद से एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल ऑफ द मिरर से जो है पास करता है उसको जो है बोला जाता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष जो है इसको जो है कहा जाता है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, ये था आपका स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स जो हैं ऐसे मिरर्स होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है एक हॉलो ग्लास के स्फेयर का पार्ट होता है। हॉलो ग्लास स्फेयर को दो हिस्सों में अगर हम कट करते हैं तो हमको जो है दो पार्ट्स इसके जो है मिल जाते हैं, एक जो है इनवर्ड की तरफ जो बेंटिन रहता है और एक जो है आउटवर्ड की तरफ बल्ग आउट होता है। तो बल्ग आउट वाले पोर्शन को जो है अगर हम इनवर्ड डायरेक्शन वाले को जो है सिल्वर कोटिंग कर देते हैं तो एक कन्वेक्स मिरर मिलता है, और एक बल्ग आउट वाले पोर्शन को जो है एक मिरर में हम लोग बल्ग आउट वाले पोर्शन को जो है सिल्वर कोटिंग कर देते हैं तो हमको जो है एक कनकेव मिरर का जो है प्राप्ति होता है। और कनकेव मिरर को जो है कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है क्योंकि ये लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट रेज को जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, और ये क्या करता है, पैरेलल इंसिडेंट रेज को ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, फैलाता है।
ठीक है। इसके बाद से जो है आपको बताया गया है ये टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। आशा करते हैं कि आप जो है आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका स्फेरिकल मिरर के जो है बारे में। वो पता करना है कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस जो है क्या होता है। कैपिटल एफ से जिसको हम डिनोट करते हैं प्रिंसिपल फोकस को, ये इसको जो है ना फाइंड आउट करना है हमको। देखिए कैसे, एक हम क्या करते हैं, एक जो है कनकेव मिरर जो है ले लेते हैं, जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सन के तरफ जो है क्या करते हैं पॉइंट कर देते हैं। पॉइंट करने के बाद से जहाँ पे ये सन के लाइट रेज जो हैं इसके ऊपर परपेंडिकुलरली जो है क्या करेंगे फॉल करेंगे, इसके ऊपर जो है पैरेलल लाइट रेज जो है क्या करेंगे फॉल करेंगे। फॉल करने के बाद से एक इसके सामने जो है इसके रिफ्लेक्टेड रेज को जो है ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जो है सीट ऑफ पेपर ले लेते हैं। सीट ऑफ पेपर जो है यहाँ पे, जैसे ही सीट ऑफ पेपर हम लेंगे तो एक ऐसा जो है इसका पॉइंट मिलेगा जहाँ पे सारे के सारे लाइट रेज जो हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दैट कनकेव मिरर एक पॉइंट पे जो है अपने आप को क्या करेंगे कन्वर्ज करेंगे, और वही पॉइंट जो होगा इस कनकेव मिरर का जो है फोकस कहलाएगा। और देखेंगे क्या इस कन्वर्जेंस के वजह से, इस कन्वर्ज होने के वजह से, इस कंसंट्रेशन के वजह से, बहुत सारे लाइट रेज एक जगह पे आकर के मिलने के वजह से ये जगह जो है बहुत ज़्यादा क्या होगा गर्म होगा, और सबसे फर्स्ट में क्या होगा यहाँ से जो है ना स्मोक का प्रोडक्शन जो है हमको देखने को मिलेगा। अब स्मोक का प्रोडक्शन होते होते जो है कुछ समय के बाद से ये जगह जो है ये पेपर जो है ये आग जो है पकड़ लेगा, ठीक है। तो ऐसे जो है इसलिए हम लोगों को भी जो है कहा जाता है कि वी शुड नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन, हमें जो है ओपन आइज से डायरेक्ट जो है सन की तरफ जो है हमें देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लाइट रेज क्या करते हैं हमारे आइज़ को जो है हार्म पहुंचा देते हैं। अब देखिए तो कनकेव मिरर में भी जो है ना ऐसे ही जो है फोकस का जो है फोकस को प्राप्त किया जाता है। एक कनकेव मिरर ले लेते हैं तो इसके ऊपर जो पैरेलल इंसिडेंट रेज आएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है एक पॉइंट से पास करेंगे, जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, और उसी पॉइंट को फोकस ऑफ द कनकेव मिरर जो है कहा जाएगा, ठीक है। फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट। कह रहा है कि फोकस जो है प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट होता है जहाँ पे पैरेलल इंसिडेंट रेज जो होते हैं रिफ्लेक्शन के बाद से जाकर के मिलते हैं या कन्वर्ज करते हैं, उसी को जो है प्रिंसिपल फोकस जो है कहा जाता है। और कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। मिरर के क्या होता है सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के जो है क्या होता है यहाँ पे सामने होता है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ना इन्फिनिटी पे जो है ना एक कोई ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है, वहाँ से जो है इन्फिनिटी से जो है लाइट रेज जब आते हैं तो पैरेलल लाइट रेज जो है आते हैं, दूर से जब लाइट रेज आते हैं तो पैरेलल आते हैं, और नज़दीक से जब लाइट रेज आते हैं तो वो जो है डाइवर्जिंग लाइट रेज जो है हमारी आँखों में भी वैसे ही जो है आते हैं और यहाँ पे भी जो है हमको देखने को वैसे ही मिलेंगे। तो दूर से आ रहे हैं तो ये पैरेलल लाइट रेज जब आ करके आएंगे तो इंसिडेंट रेज जो है क्या होगा डिफरेंट डायरेक्शन में जो है, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है क्या होगा डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा, और इंसिडेंट रे जो है पैरेलल इसके ऊपर फॉल करेगा। अब जो है इन सारे इंसिडेंट रेज को अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो ये सारे के सारे इंसिडेंट रेज जो हैं एक पॉइंट से हमको आते हुए निकलते हुए जो है प्रतीत होंगे, जिस पॉइंट को हम लोग जो है प्रिंसिपल फोकस जो है बोलेंगे, उसको क्या बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस हम लोग जो है उसको बोलेंगे। अब इसी प्रिंसिपल फोकस को जैसे ही हम प्राप्त कर लेंगे तो यहाँ पे जो कनकेव, यहाँ पे जो आपको कन्वेक्स मिरर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस कन्वेक्स मिरर के अंदर जो है प्रिंसिपल फोकस जो है आपको बिहाइंड द मिरर जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बिहाइंड द मिरर यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है। कन्वेक्स मिरर में फोकस जो होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। इसके बाद से पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको जो है फोकल लेंथ कहा जाएगा। स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ जो है ना ये फोकल लेंथ को जो है दर्शाता है, स्मॉल एफ से जो है इसको दर्शाया जाएगा, जहाँ पे फोकल लेंथ को जो है मीटर में मेजर किया जाएगा, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। और पी और सी के बीच में, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को जो है हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बोलते हैं, कैपिटल आर से जो है इसको दर्शाया जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर में और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f, ठीक है। फोकल लेंथ का क्या होता है, ये दोगुना होता है, ये दोगुना जो है डिस्टेंस होता है, और फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होता है हाफ होता है। तो इससे जो है बेसिक सा सवाल भी पूछ जाता है, जैसे मान लीजिए कि फोकल लेंथ दे दिया हो 10 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर दे दिया हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमको जो है निकालना हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, 2f के बराबर होता है r इक्वल टू 2f, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 10 मीटर या सेंटीमीटर, जैसे भी यूनिट दिया हो, तो 10 टू जो कितना हो जाएगा 20 मीटर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा।
ठीक है। और रेडियस ऑफ आगे में जो है ना अलग अलग जो है न्यूमेरिकल्स में इसका जो है काम पड़ता है। ये होता है आपका प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर में जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है और इसमें जो है बिहाइंड द मिरर होता है। इसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज की वजह से बनता है। तो आप इसमें बोल सकते हैं इसका जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है, ऐसे बोल सकते हैं रियल फोकस होता है, क्योंकि इसमें जो है एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज की वजह से बने हुए हैं। और इसका जो फोकस होता है वो जो है वर्चुअल फोकस जो है इसको जो है कहा जाता है। इसका फोकस क्या होता है? वर्चुअल फोकस होता है। तो यही कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बीच में जो है आपको प्रिंसिपल फोकस जो है फाइंड आउट करने का तरीका है। और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का ये रिलेशन जो है यहाँ पे दर्शाया गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ जो है होता है। ये रिलेशनशिप को जो है दर्शाता है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होता है? ट्वाइस होता है। आर और एफ के बीच में, स्मॉल एफ के बीच में ये रिलेशनशिप है। मिरर के बारे में जो है पढ़ना है। देखिए यहाँ पे प्लेन मिरर क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, कह रहा है कि प्लेन मिरर का जो फॉर्मेशन होता है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये वाला जो पोर्शन होता है ये जो है प्लेन होता है, समतल होता है। ये जो है बनता कैसे है? तो इसमें क्या किया जाता है, एक ट्रांसपेरेंट जो है ना ग्लास लिया जाता है जिसके आर पार जो है लाइट इजिली पास कर जाए। ट्रांसपेरेंट ग्लास लेने के बाद से एक तरफ जो है सिल्वर का कोटिंग कर दिया जाता है, सिल्वर कोटिंग कर दिया जाता है और उसके बाद से जो है लेड ऑक्साइड का जो है लेड ऑक्साइड नाम का पेंट जो है इसके ऊपर जो है चढ़ा दिया जाता है। देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट एक ग्लास लिया जाता है, उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे जो है एक सर्फेस के ऊपर जो है सिल्वर कोटिंग कर दिया जाता है जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बन जाता है, और फिर उसके पीछे जो है लेड ऑक्साइड वाला जो है पेंट इसके ऊपर जो है कोट कर दिया जाता है। तो ये जो है हमारे प्लेन मिरर का जो है फॉर्मेशन जो है कर देता है। अब जो है प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसके जो है क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में जो है हम लोगों को देखना है। सबसे पहला जो गुण होता है वो होता है क्या कि इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज जो है हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब को जो है बोला जाता है इसे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, सिर ऊपर पैर नीचे, इरेक्ट का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे और वर्चुअल का मतलब होता है ऐसा इमेज जो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज के वजह से जो है नहीं बनता है उसी को जो है वर्चुअल इमेज जो है कहा जाता है। जैसे एक प्लेन मिरर अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट इसके सामने जो है रखते हैं, तो एक लाइट रे जो है प्रिंसिपल, एक लाइट रे जो है डायरेक्टली जो है फॉल करेगा, एक डायरेक्टली जो है फॉल करेगा तो वापस उसी पाथ पे जो है अपने पाथ को जो है रिट्रेस कर लेगा वापस रिफ्लेक्टेड रे जो है। एक लाइट रे इसके ऊपर जो है ऑब्लिकली अगर फॉल करेगा तो ये सेम मीडियम में वापस जो है ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। फिर एक लाइट रे जो है अगर इसके बेस ऑफ बेस से जो है जाता है इस ऑब्जेक्ट के तो वापस फिर ये भी क्या करेगा अपने पाथ को जो है रिट्रेस कर लेगा। और फिर यहाँ से एक और लाइट रे जो है इधर की तरफ जाता है, ऑब्लिकली फॉल करता है प्लेन मिरर के ऊपर, तो ये लाइट रे जो है बाउंस बैक कर जाएगा सेम मीडियम में लेकिन डिफरेंट जो है डायरेक्शन में। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही हम लोग इस रिफ्लेक्टेड रेज को जो है पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, इस रिफ्लेक्टेड रे को जो है पीछे की तरफ ऐसे हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो है ना हेड वाला पोर्शन जो है इस ऑब्जेक्ट का क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा, ठीक है। और जैसे ही हम लोग जो है यहाँ से जैसे ही हम लोग जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है इसको प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ से जो है हम लोग इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या करेगा इसका जो है बेस का जो है फॉर्मेशन कर देगा और यही जो है हमारा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज। और यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि लाइट रेज यहाँ पे एक्चुअल में कट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपीयर्स टू मीट हो रहे हैं, मतलब मिलते हुए जो है ना प्रतीत हो रहे हैं, तब जाकर के जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे इमेज का। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है, काल्पनिक और जो है सीधा। इसके बाद से दिया हुआ है कि यू जो है ना वी के बराबर होता है। यू बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है यू को। यू जो है ना, यू जो है एक सिंबल है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मिरर से जो ऑब्जेक्ट का दूरी होता है उसी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है। और भी जो है ये इमेज डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, मिरर से इमेज का जो दूरी होता है उसी को जो है इमेज डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं। और ये दोनों जो है क्या होता है प्लेन मिरर में जो है इक्वल होता है, जितना दूर जो है ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूर जो है प्लेन मिरर में बिहाइंड द मिरर जो है इसका इमेज का जो है फॉर्मेशन होगा। इसके बाद से नेक्स्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज जो होता है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, यानी कि जितना बड़ा जो है ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा जो है इमेज का भी जो है वो फॉर्मेशन करेगा हमारा ये प्लेन मिरर। इसके बाद से कह रहा है और इसके जो है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे देखिए सिंबल्स दिया गया, कहीं कहीं जो है उसको एच डैश से दर्शाते हैं, कहीं कहीं उसको कहीं कहीं जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को जो है एच से, और कहीं कहीं इमेज वाले हाइट को जो है एच डैश से दर्शाते हैं। इसके बाद से जो है ये प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी कि इसमें जो है ना साइडवाइज इन्वर्जन होता है, साइड जो है ना साइड का जो है ना फेर बदल हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट के राइट हैंड में अगर कोई वॉच है,
ठीक है, तो वो वॉच जो है इमेज के लेफ्ट हैंड में होगा, और इमेज के अगर ऑब्जेक्ट के जो है लेफ्ट हैंड में वॉच है तो वो इमेज के जो है राइट हैंड में जो है वॉच वॉच हो जाएगा। और इसी साइडवाइज इन्वर्जन को जो है हम लोग जो है लेटरल इन्वर्जन जो है कहा जाता है। एम्बुलेंस के फ्रंट वाले जो है पोर्शन में जो है एम्बुलेंस जो है ना उल्टा जो है लिखा रहता है। इसलिए लिखा रहता है क्योंकि साइड मिरर से जब सामने वाला ड्राइवर जो आगे जो गाड़ी चला रहा है अपने साइड मिरर से देखे तो वो जो एम्बुलेंस वार्ड है वो लिटरली इन्वर्टेड होकर के उसको दिखाई दे, या उसके सामने में जो है जैसे उसके अंदर जो है कैबिन में जो है जो प्लेन मिरर ऊपर में जो है लगा रहता है उसमें अगर वो एम्बुलेंस वार्ड दिखाई देता है तो वो जो है लिटरली इन्वर्टेड होकर के दिखाई देता है, जिसके वजह से वो उसको पता चल जाता है कि पीछे से जो है एम्बुलेंस जो है आ रहा है। इसलिए वहाँ पर भी जो हमको जो है लेटरल इन्वर्जन वाला जो है फेनोमेना देखने को हमको मिलता है। और एक जो है चौथा केस ये है इसका कि बिहाइंड द मिरर जो है इमेज का इसमें फॉर्मेशन होता है मिरर के जो है पीछे। ठीक है, तो ये था आपका जो है प्लेन मिरर के बारे में।